हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, अमेरिकन बाजार में गिरावट लगातार ही देखने को मिल रही है। कल भी जो है क्लोजिंग अमेरिकन बाजार की हुई वो नेगेटिव ही हुई है, तो मंडे के दिन भी आप लोगों को जो है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी करेक्शन देखने को मिल सकती है। बात करेंगे ट्राइडेंट की, क्योंकि जहाँ पे भी जब टेक्सटाइल सेक्टर की बात होती है तो वहाँ पे ट्राइडेंट का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि भारत यानी कि इंडिया का जो टॉप मोस्ट ब्रांड है टेक्सटाइल को लेकर वो ट्राइडेंट ही है। और सबसे बड़ी बात कि ओवरऑल मल्टीबैग रिटर्न्स दे चुका है और ऑलरेडी जो है लगभग जो है मैं बताऊँ आपको मोटे मोटे तौर पर तो 40-50% की करेक्शन स्टॉक में इस टाइम हमें देखने को मिल चुकी है। एक बड़ी रैली दिखाई थी जब स्टॉक प्राइस जो एकदम से पैनी शेयर से भाग के 70 रुपए तक गया और उसके बाद स्टॉक में लगातार करेक्शन देखने को मिल रही है। 6-7 महीने से करेक्शन जोन ही जो है इस टाइम ट्राइडेंट फेस कर रहा है। तो क्या एक लॉन्ग टर्म होल्ड करना ट्राइडेंट को अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, या फिर एक लॉन्ग टर्म विजन भले ही ठीक है कि भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, क्या शॉर्ट टर्म में भी एंट्री ली जा सकती है, या फिर ऑलरेडी जिन लोगों ने होल्डिंग्स ऊपर के लेवल से बना रखी हैं तो उनको क्या करना चाहिए, एवरेज करके निकल जाना चाहिए या फिर होल्डिंग्स को बरकरार रखना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी इस चैनल पे मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूं। और आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप मेरे दोनों ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए भी और क्वेरीज के लिए भी। तो ट्राइडेंट में लास्ट क्लोजिंग डे मार्केट डाउन थी, लेकिन स्टॉक में लगभग 1% के आसपास की तेजी के साथ 38.40 रुपये पे अपनी क्लोजिंग दी है। लास्ट क्लोजिंग 38.10 रुपये पे थी। एक महीने की बात करूँ तो 8.5% की करेक्शन ऑलरेडी ट्राइडेंट के अंदर हो चुकी है। और आप इसका 6 महीने का चार्ट देखें तो 27% की करेक्शन है। और इस बीच में स्टॉक जो है 1 साल के चार्ट में देखेंगे आप तो लगभग 70 रुपये तक जाके जो है स्टॉक गिरा था। और ऑलरेडी जो है गिरावट वो एकदम से मैं तो नहीं कहूंगा लेकिन गिरावट होने में टाइम जरूर लगा है, लेकिन 40-50% के आसपास की करेक्शन ट्राइडेंट के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो लगभग 8000% के रिटर्न्स ट्राइडेंट ने दिए भी हैं। और देखिए 2004 से लेके 2020 तक स्टॉक ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, और जैसे ही 2021 की एंड आई वैसे ही स्टॉक ने बूस्ट किया और लगाया एकदम से सीधा 70 रुपये तक। और उसके बाद से जो है स्टॉक लगातार गिरते हुए आप लोगों को कंसोलिडेशन जोन फेस करते हुए नजर आ रहा है। फिर भी ओवरऑल रिटर्न इतने टाइम में 8000% के रिटर्न ऑलमोस्ट 20 साल के लगभग अंतराल में 8000% के रिटर्न्स के लिए होल्ड करना किसी स्टॉक को बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए। और शॉर्ट टर्म में देखिए जो परफॉर्मेंस है 2004 से लेकर 2020 तक कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही है। अब 16 साल इंतजार करने के बाद उसको रिटर्न मिले कब, एक लास्ट के ईयर में 2021 में रिटर्न्स दिए हैं, और उसकी वजह से स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो लगभग 8000% के आसपास का पहुँच चुका है। लास्ट क्लोजिंग डे का वॉल्यूम 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, और मार्केट क्लोजिंग के टाइम भी अभी भी मार्केट बंद है, और उस टाइम भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर की बात करूं तो जो मार्केट ऑर्डर में बाइंग क्वांटिटी है वो 1,30,000 की है और जो सेलिंग क्वांटिटी है वो 7,40,000 की है। तो अच्छी खासी क्वांटिटी सेलिंग प्रेशर में देखने को मिल रही है, फिर भी स्टॉक में लास्ट क्लोजिंग डे हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 7.5 रुपये की, TTM EPE 25.95 का है, TTM EPS 1.48 का, यानी कि ग्रोइंग है कंपनी का कामकाज, ग्रोइंग उस कंडीशन में है कि लगातार कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। और एक अच्छा स्टॉक अगर आप ढूंढ रहे हैं 30-40 रुपए की रेंज में तो आप ट्राइडेंट को लॉन्ग टर्म होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में टेक्सटाइल सेक्टर में जहां पे नाम गिना जाएगा तो वहां पे ट्राइडेंट का नाम जरूर गिना जाएगा, क्योंकि ट्राइडेंट जो है ऑलमोस्ट जो है इंडिया का टॉप मोस्ट ब्रांड हो चुका है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। और आने वाले टाइम में जब ये कंपनी बूस्टअप पकड़ेगी, एक बार तो दिखा चुकी है आपको बूस्टर, और उस बूस्टअप के बाद जो थोड़ा बहुत गिरावट करेक्शन शॉर्ट सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग होती हैं ये चीज़ें नॉर्मल हैं, तो परसेंटेज को छोड़ के लॉन्ग टर्म के विजन के साथ आप होल्ड करके ट्राइडेंट को बिल्कुल चल सकते हैं। RSL लेवल लगभग 45 पॉइंट्स के अराउंड है। डिविडेंड भी जो है कंपनी ने रिसेंटली पेश किया है अपने इन्वेस्टर्स को, कितना डिविडेंड दिया है वो भी बताऊंगा किस तारीख को दिया है। और RSL लेवल के हिसाब से स्टॉक बाइंग कंडीशन में है, अभी भी इंट्रीम डिविडेंड जो है 36 पैसे का पर शेयर 36 पैसे का डिविडेंड 18 तारीख को कंपनी ने इन्वेस्टर्स को देने की घोषणा कर दी है। और उसके बावजूद अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो देखिए जहाँ मार्च क्वार्टर के अंदर 1847 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, वहीं 1667 करोड़ का रेवेन्यू क्वार्टर वन के अंदर जनरेट किया है, तो थोड़ी बहुत गिरावट जरूर रही है। EPS डाउन हुआ है, थोड़ा सा नेट प्रॉफिट भी डाउन हुआ है, क्योंकि इस बीच में बहुत सारी चीज़ें घटी हैं, रूस यूक्रेन वॉर, मार्केट इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से कंपनीज काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाई थी, और जिसकी वजह से रिजल्ट के अंदर थोड़ी सी परफॉर्मेंस हमें गिरती हुई अब की बार क्वार्टर वन के अंदर ट्राइडेंट की देखने को मिली है। तो होल्डिंग्स बना के रखें, लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया रिटर्न्स आपको देगा। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 73% है, और DII की होल्डिंग जो है लगभग 1.79
0.9% अदर्स की होल्डिंग है, DII की होल्डिंग बिल्कुल ना के बराबर है, 3.17% FII की होल्डिंग है और 22.05% जो है वो पब्लिक की होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आप एक अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर का हो या फिर किसी भी सेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन अगर एक 30-40 रुपए की रेंज में एक अच्छा पैनी शेयर ढूंढ रहे हैं अच्छे खासे मार्केट कैप के साथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ में, तो आप ट्राइडेंट को लॉन्ग टर्म होल्ड करके बिल्कुल चल सकते हैं ताकि एक अच्छे रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म टाइम में जो है मिलते हुए नजर आ जाए। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।